पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इनकार की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रेहान चौधरी गुस्से में आकर हाजरा को मारकर चला जाता है। हाजरा को लेकर अस्पताल भागे और अस्पताल वाले पुलिस केस बनाकर पुलिस को तफ्तीश के लिए बुला लेंगे। पुलिस वाला चौधरी साहब को फ़ोन करके इत्तला पहुँचाता है कि आप इसी वक्त सिविल अस्पताल पहुँच जाएँ, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। खुशियों वाले घर में ऐसी खबर बिजली बनकर टूटती है, वो सारे अस्पताल की तरफ भागते हैं। शयान तो अच्छी तरह से जानता है कि ये सब किसने किया है। वो अपने बाप से कहता है कि मैं रेहान को छोड़ूंगा नहीं, जिस पर शयान का बाप उसे कहता है कि पहले ये तो देख लो कि तुमने रेहान से बदला उसके ज़ख्मों का लेना है या फिर उसकी मौत का, क्योंकि डॉक्टरों ने हाजरा की हालत काफ़ी नाजुक बताई है, खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत भी वाकया हो सकती है। शयान अपना सर दीवार पर मारता है और उस पर हाजी साहब कहते हैं कि शयान पुत्र, खुदा के लिए मुझे बता, तुझे हाजरा की कसम। आगे आप लोग देखेंगे कि मुझे बता के कौन था वो। शयान उस पर गुस्से से कहता है कि मैं हूँ, मेरी वजह से हुआ है हाजरा का ये हाल। रेहान चौधरी के इस कारनामे की इत्तला जब उसके बाप को पहुँचाई जाती है तो ये शख्स अपनी दूसरी बीवी से कहता है कि इस लड़की कंडीशन क्या है। जवाब में वो कहती है कि क्रिटिकल है, दुआ करें मर जाए, क्योंकि वही एक गवाह है इस बात की। इस परवाह पर रेहान ने क्या किया। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड, आप लोगों को क्या लगता है क्या हाजरा बच पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।